तो द ग्रेट थॉट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस किस ऑप्शन से अपना नियोक्ता वाला अंश अपना मतलब कि एम्प्लॉयर वाला अंश जो है अपना निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा जो है दिए गए हैं दोस्तों, इसमें जो है नॉन रिफंडेबल सारे ऑप्शन हैं ये हमारे, मतलब कि पैसा दोबारा से वापसी जमा नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं किस किस ऑप्शन से हमारा एम्प्लॉयर वाला पैसा निकल सकता है। सबसे पहला आता है हाउसिंग लोन, परचेज ऑफ साइट हाउस फ्लैट और फॉर कंस्ट्रक्शन एडिशन अल्टरेशन इन एग्जिस्टिंग हाउस रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वाला जो हमारा ऑप्शन है, इसमें आप अपना नियोक्ता वाला अंश निकाल सकते हैं। और लॉकआउट और क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, इसमें नियोक्ता का अंश हमारा नहीं निकलेगा। इलनेस ऑफ मेंबर और फैमिली, इसमें भी हमारा नियोक्ता वाला अंश नहीं निकलेगा, इसमें केवल हमारा मेंबर वाला जो है अंश निकल सकता है। और मैरिज ऑफ सेल्फ सन डॉटर ब्रदर सिस्टर, इसमें भी हमारा केवल मेंबर वाला अंश निकलेगा, इसमें भी नियोक्ता का अंश नहीं निकलेगा। पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, जी हाँ दोस्तों, इसमें भी हमारा केवल मेंबर वाला अंश निकलेगा। और नेचुरल कैपेबिलिटी कट इन इलेक्ट्रिसिटी इन एस्टेब्लिशमेंट परचेजिंग इक्विपमेंट बाई फिजिकल हैंडीकैप, इन तीनों ऑप्शन में भी हमारा केवल मेंबर वाला अंश हमारा निकलेगा। और अगला आता है हमारा 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट, इसमें दोस्तों हमारा जो है नियोक्ता वाला अंश निकल सकता है। हमारे दो ऑप्शन हो गए अब तक जिसमें हम नियोक्ता वाला अंश निकाल सकते हैं, और ये दोनों ऑप्शन हमें एक बार ही मिलने वाले हैं केवल। और अगला आता है हमारा इन्वेस्टमेंट इन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसमें भी हमारा नियोक्ता का जो है अंश नहीं निकलेगा दोस्तों। और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर, इसमें भी हमारा नियोक्ता वाला अंश नहीं निकलेगा। और अगला आता है हमारा आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक, इसमें दोस्तों हमारा नियोक्ता वाला अंश निकल जाएगा। ये ऑप्शन हमें दो बार मिलता है दोस्तों, इसमें हम अपना नियोक्ता वाला अंश निकाल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों। ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा, और आपके कोई भी सवाल है वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।